सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। सो इस वीडियो में मैं जो है वो CC4 का कुछ शॉर्ट सजेस्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो कि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसको डिस्कस करूँगी, देन 21 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, एंड देन जो मैंने सजेस्टिव क्वेश्चन बनाया है उसको डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था क्या कि हु इज़ द वेनी मैन, वेनी में जो वेनी मैन है वो कौन है। तो ये जो वेनी मैन है ये किसको कहा जाता है, तो ये प्राउड मैन को कहा जाता है, जो कि को कभी भी जो है वो इम्पॉसिबल थिंग्स को करने से वो रुकता नहीं है। मतलब उसके लिए जो है वो इम्पॉसिबल थिंग्स भी पॉसिबल लगती है और उसको करने की वो कोशिश करता है, तो वो प्राउड मैन को ही कहा जाता है वेनी मैन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो है विच आर द टू रिवर्स मेंशन इन द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। तो वो कौन सी दो रिवर थी जो कि टू इस क्वाय मिस्ट्रेस में मेंशन है। तो सबसे पहले जो थी वो गंगा रिवर, और ये इंडिया की है, और जो दूसरी रिवर थी वो है हम्बर रिवर जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। और एक क्वेश्चन है कि ये मैंने अपने से ऐड किया है कि जो गंगा रिवर है उसके कोस्ट के ऊपर क्या चीज़ फाउंड, मतलब क्या चीज़ मिलता है या क्या चीज़ फाउंड होता है, तो वो रूबीज़ है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Thou art more lovely and more temperate. What does Shakespeare mean by it? इसका मतलब क्या है? तो ये जो लाइनिंग है वो सोनेट 18 की लाइनिंग है, सलाई कंपेयर्ड टू अ समर्स डे, जिसमें जो है ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि जो शेक्सपियर है उनका मानना है कि जो उनका लव है, मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पे लव माना है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्पर है, इवन डिज़ायरेबल है देन द समर, समर की तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए जो है वो टेम्पर है। और यहाँ पे जो है वो लाइन के द्वारा अपने पोएट का कंपेयर जो है वो समर के दिनों से करते हैं जो शेक्सपियर हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो बैंक्वेट्स के घोस्ट है उसको कितनी बार स्टेज पर देखा गया था, तो उसको जो है वो 3 times स्टेज पर देखा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एडवर्ड 2 में जो है उसमें दो मर्डरर का नाम क्या है, तो ये है लाइट बॉर्न एंड दूसरे जो है वो गॉर्नी एंड माल्ट्रेवर्स, ये जो है वो मर्डरर का नेम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जेस्टर जो है वो कौन है एज यू लाइक इट में, तो जो जेस्टर है वो टचस्टोन को बोला गया है जो कि एक कैरेक्टर है, और ये जो ये कोर्ट का जेस्टर है, और ये जो कोर्ट है वो किसकी है, तो ड्यूक फ्रेडरिक की है, उसी फ्रेडरिक के कोर्ट में जो टचस्टोन है वही जेस्टर है एज यू लाइक इट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ म्यूज़िक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किसने किससे कहा था, तो ये जो लाइनिंग है वो ऑर्सिनो ने अपने लवर ओलिविया से कहा था, तो बी रिमेंबर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वन डे आई रोट हर नेम, ये जो सोनेट है वो किस सोनेट या फिर किस कलेक्शन में जो है इसको, किस कलेक्शन से इसको लिया गया है, तो ये एडमंड एडस्पेंसर का काफ़ी एक फेमस पोएम है, और ये जो वन डे आई रोट हर नेम है वो 75 नंबर सोनेट है, इसमें टोटल जो है वो 89 सोनेट्स है, और सोनेट्स का नाम क्या है जो कलेक्शन है सोनेट्स का, तो स्पेंसर एमोरेटी, तो ये कलेक्शन का नाम है, इसी कलेक्शन के 75 नंबर जो सोनेट है वो वन डे आई रोट हर नेम है। और ये जो एमोरेटी मींस क्या होता है, तो लिटिल लव होता है, सो इसका भी मतलब आप लोग याद रखिएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन से दो ठो ज्योग्राफिकल आइटम्स जो है वो गुड मॉरो में मेंशन किए हुए हैं, तो एक मैप्स और दूसरा सी एक्सप्लोरर, ये दोनों जो ज्योग्राफिकल आइटम्स है वो द गुड मॉरो में मेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पीकर है वो किस तरह से अपने विलव्ड्स के हेयर को डिस्क्राइब करते हैं इन सोनेट नंबर 130 में, तो वो जो स्पीकर है वो अपने लवर के हेयर को ब्लैक वायर के तरह कंपेयर करते हैं जो उनके सिर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वीचेस है वो कितनी बार मैकबेथ के सामने अपीयर होती हैं, तो वो 4 times जो है वो मैकबेथ के सामने अपीयर होती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस कंट्री से या फिर किस नेशनलिटी से जो गैवेस्टन है वो बिलोंग करते हैं, तो वो जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रोजालिंड है उसका नेम क्या था जब वो खुद को डिसगाइज की थी, यानी कि अपना जो उसका हुलिया है वो चेंज कर ली थी जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रही थी, तो उस वक्त जो रोजालिंड है उसने अपना नाम क्या रखा था, गेनीमेड रखा था, और जो सेलिया है जो उसकी सिस्टर उसने अपना नाम क्या रखा था, तो एलियाना रखा था, तो बी रिमेंबर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वॉज जेस्टर इन 12th night, 12th night में जेस्टर कौन है, तो जो जेस्टर है वो फेस्ट जो कैरेक्टर है उसी को जेस्टर कहा गया है 12th night में, जिसका काम है लोगों को हंसाना, और इसी उसका पर्टिकुलर जो स्किल है वो क्या है, सिंगिंग करना एंड डांसिंग करना।
तो जो नेक्स्ट सजेस्टिव क्वेश्चन है वो क्या है कि जो स्पीकर है वो अपने बिलव्ड का नाम कहाँ लिखते हैं, तो अपने बिलव्ड का जो नेम है वो ऑन द बीच, बीच पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा दिन है जो पोएट अपने बिलव्ड का नाम लिखते हैं और कहाँ पे लिखते हैं, तो वो दिन कौन सा था, तो एक दिन था, वन डे, जब वो अपने बिलव्ड का नाम लिखते हैं। कहाँ पे, तो अपॉन द स्ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर लिखते हैं। बट उस नेम को कौन वॉस्ट कर देता है, तो वो जो है वेब्स, वेब्स उसको क्या कर देती है, वॉस्ट यानी कि मिटा देती है। नेक्स्ट जो है वो सोनेट नंबर 75 में किसको एड्रेस करके लिखा गया है, तो जो सोनेट नंबर 75 है उसमें जो स्पीकर है उन्होंने अपने मिस्ट्रेस को एड्रेस करके वो सोनेट लिखा है, जिनका नाम क्या था, एलिजाबेथ बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड मीन्स क्या है, तो ये जो है उनका नाम है जो कि वो सेकेंड हैंड राइटिंग के द्वारा जो स्पीकर है वो लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ द पोएम वन डे आई रोट हर नेम, तो दिस इज द सोनेट, ये एक सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब स्पीकर दोबारा सैंड के ऊपर या फिर बीच के ऊपर अपने लवर का नाम लिखते हैं, तो अगेन क्या होता है, जो टाइड है वो आती है और उसको जो है जो मिटा करके चली जाती है, इसका मतलब होता है ऑब्लिट्रेटेड, मतलब मिटा देना, मिटा करके वो चली जाती है। और नेक्स्ट ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एमोरेटी मीन्स क्या होता है, ये कलेक्शन का नेम है जिसका मतलब होता है लिटिल लव्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो पोएट हैं वो सेलाई डी टू अ कंपेयर डे में उन्होंने किससे कंपेयर किया है, तो जो पोएट हैं उन्होंने अपने फ्रेंड का जो कंपैरिजन है वो समर्स के दिनों से किया है। और दी और दाई ये किसके इंडिकेट करता है, तो वो उनके जो फ्रेंड है उनको इंडिकेट करता है। और उनका फ्रेंड्स का नाम क्या था, तो उनके फ्रेंड्स का नाम था साउथम्पटन, तो याद रखिएगा इसको, साउथम्पटन उनके फ्रेंड का नाम है। नेक्स्ट जो है वो व्हाट डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो रफ विंड शेक जो है वो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सीजन है जो सेलाई दी टू अ कंपेयर डे में मेंशन है, तो वो होगा मे मंथ का सीजन। नेक्स्ट जो है व्हाट विल नॉट ब्रेक दैट दाउ वंडरेस्ट इन हिज सेट, तो क्या होगा, डेथ होगा, डेथ जो है वो कभी भी घुटने नहीं टेकती है, तो ये होगा। नेक्स्ट जो है वो एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डेक्लाइन इन नेचर, क्या वो चीज़ है जो कभी ना कभी नेचर में उसका डेक्लाइन होता है यानी कि खात्मा होता है, तो वो क्या चीज़ है, तो एवरी फ्रेम फ्रॉम फेयर, हर एक खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ का एक ना एक दिन डिक्लाइन और डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रक्शन होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल मेक हिज फ्रेंड इटर्नल, तो क्या होगा इसका आंसर, द पोएट इटर्नल लाइन्स, मतलब उनकी पोएट्री जो है वही उनके फ्रेंड्स को इटर्नल बनाएगी। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन द फ्रेज समर्स लीज, इसका मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो समर लीज मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ समर विच इज वेरी ब्रीफ, मतलब जो समर की अवधि है उसको, जो काफ़ी शॉर्ट समय के लिए होती है, उसी को बोला गया है समर लीज। नेक्स्ट जो है वो सन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो वो गोल्ड है। नेक्स्ट जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने, जो विलियम शेक्सपियर का आइस है वो किसको कहा गया है, तो यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है, आइस आर लाइक सन, मतलब जो विलियम शेक्सपियर की आँख है वो बिल्कुल सन की तरह है यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि आइस ऑफ हेवन जो है, इसका मतलब ये है कि आइस ऑफ हेवन किसको कहा गया है, तो सन को कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये जो वर्ड है दून वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो वुमेन्स के स्किन को डिस्क्राइब करता है, सोनेट नंबर 130 का ये क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो स्पीकर है वो सोनेट नंबर 30 में वुमेन के किस किस चीज़ को, किस किस पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे आइज़ के बारे में, लिप्स के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में, हेयर्स के बारे में, चिक्स के बारे में जो है वो बताते हैं रीडर्स को। जो स्पीकर है वो अपनी पोएटिस, जो उनकी मिस्ट्रेस है उसके चिक्स को पिंक रोजेस से कंपेयर करते हैं, उनके साउंड को म्यूजिक से कंपेयर करते हैं, और जो वुमेन है जिसको उन्होंने सोनेट में एड्रेस किया है वो किस नेम से जानी जाती है, तो वो डार्क लेडी नाम से जानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो गुड मॉरो का मतलब क्या है, तो ये एक फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है, जब भी हम लोग सो के उठते हैं तो जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वही उसका शॉर्ट फॉर्म है गुड मॉरो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दैट सेवन स्लीपर्स डेन क्या है, तो ये एक बिब्लिकल एल्यूशन है जो कि पोएट्री में यूज़ किया गया है, और ये स्टोरी का नेम है सेवन स्लीपर्स डेन। नेक्स्ट वेजिटेबल लव्स मीन क्या होता है, मतलब ये फ्रेज वेजिटेबल लव मीन्स क्या होता है, तो ऑर्गेनिक लव होता है, एक ऐसा लव जो कि बिना किसी प्रेशर के, बिना एनी चीज के प्रेशर के जो है वो दोनों में वैसा लव हो, तो इसी को लिया जाता है वेजिटेबल लव, और ये बिल्कुल मैच्योर लव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज़ नोन एज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो उसका नाम है मेसोपोटामिया, एंड कौन सी रिवर है जिसको जो है नेम पोएट ने अपने पोएट्री में मेंशन किया है, तो वो है हम्बर रिवर जो कि इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, जो पोएट है वो अपने लेडी लव को कितने मतलब सालों तक जो है उसे लव करना चाहते हैं, तो 10 ईयर्स बिफोर द फ्लड तक, एंड 100 ईयर्स उनको चाहिए अपने लेडी लव के आइस को और फॉरहेड को जो है वो प्रेस करने के लिए मतलब तारीफ करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने ईयर्स उनको ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट जो है वो विंग चैरियट मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे टाइम को बोला गया है। और ये जो है किस टाइप का जो है वो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस किस टाइप का जो है पोएट्री है, तो ये एक जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स आप लोग को पता ही है जिसमें जो है वो सिर्फ स्पीकर बोलता है जबकि लिसनर साइलेंट रहता है, तो उसी को बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हु वॉज रोजालिंड, तो जो रोजालिंड है वो डॉटर रहती है वेनिस्ट ड्यूक की, और जो सिलिया रहती है वो जो प्रेजेंट ड्यूक रहता है उसकी डॉटर रहती है जिसका नाम रहता है फ्रेडरिक। नेक्स्ट, जो ऑर्लैंडो कौन है, तो ये यंगेस्ट सन ऑफ सर रॉलैंडी बॉय का यंगेस्ट बेटा रहता है, और जो सर्लैंडी रॉ ये है ये कौन है, तो ये वेनिस्ट ड्यूक का फ्रेंड रहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कौन से दो पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो एक रेसलर मैच में तो वो रहते हैं एक ऑर्लैंडो और दूसरा एक प्रैक्टिस रेसलर रहता है। नेक्स्ट, एडम कौन है, तो ये एक ओल्ड सर्वेंट है सर रॉलैंडी बॉय का। नेक्स्ट जो है वो ड्विक एंड उसका जो फॉलोअर्स है जो जंगल में रहते हैं, तो उनकी लाइफ किस तरह की होती है, तो अपना लाइफ जो है बिल्कुल रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड जो है रॉबिन हुड है उसकी तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। जो रोजालिंड है वो ऑर्लैंडो को गिफ्ट में क्या देती है, तो एक चैन देती है। नेक्स्ट जो है वो जो सिस्टर जब जंगल में दोनों रहने जाती है तो वहाँ पे क्या खरीदती है, तो एक हाउस खरीदती है और एक शिप खरीदती है एक सेफर्ड से जंगल में रहने के लिए। नेक्स्ट, ओलिवर कौन है, तो ओलिवर ऑर्लैंडो का भाई है जो कि ऑर्लैंडो से काफ़ी हेट करता है नफरत करता है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्लैंडो है उसने काफ़ी ज़्यादा गुडनेस और पॉपुलर बन गया था अपने वर्चुनेस के कारण, इसीलिए उसे हेट करता है और ओलिवर जो है वो ऑर्लैंडो को मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो 3 टाइटल है वो मैकबेथ को मिला था, तो पहला टाइटल क्या था, थेन ऑफ ग्लेमिस का जो फर्स्ट विचेस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट था थेन ऑफ कॉर्डर का जो सेकंड विचेस ने प्रोफेट किया था, और जो थर्ड है वो क्या है, तो वो किंग बनेगा स्कॉटलैंड।